हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं एक ट्रेडमिल। हमारे पास ये एक ओल्ड ट्रेडमिल है, एक ख़राब रनिंग मशीन है। आप देख सकते हैं ये एक ओल्ड ट्रेडमिल है, वर्किंग में नहीं है और ये ख़राब है। हम आज इसे चेक करेंगे कि हम अपना विंड टरबाइन सिस्टम इससे बना सकते हैं नहीं। विंड टरबाइन सिस्टम वो सिस्टम है जिससे हम हवा से बिजली पैदा करते हैं। आप देख सकते हैं ये इसकी मोटर है और ये इसका सर्किट है। विंड टरबाइन सिस्टम में डीसी मोटर का हम इस्तेमाल करेंगे और ये एक डीसी मोटर है और इसमें एक फिक्स मैग्नेटिक मोटर इस्तेमाल होती है और ट्रेडमिल में भी फिक्स मैग्नेटिक मोटर ही लगी हुई है। चले हम इसे अब चेक करते हैं। सबसे पहले इसकी सिलेक्शन डीसी पे कर लेंगे क्योंकि ये डीसी मोटर है तो ये डीसी आउटपुट देगी घुमाने पर। इसका अगर हम रूटर घुमाएंगे तो इसको आउटपुट पे वोल्टेज देने चाहिए। अगर ये आउटपुट पे वोल्टेज देगी तो इसका मतलब हम इसे एज अ विंड टरबाइन सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो आउटपुट की वायर है हम इस पर अपना मीटर कनेक्ट कर लेंगे। दोनों साइड पे हम दोनों वायर्स में कनेक्ट कर दिए हैं। अब इसको पहले सिक्योर कर देते हैं, फिर हम इसका रूटर घुमा के देखेंगे कि मीटर में हमारे पास वोल्टेज शो होते हैं नहीं। आप देख सकते हैं इसका मैं रूटर घुमा रहा हूँ तो ये वोल्टेज मीटर में शो हो रहे हैं, 3-4 वोल्टेज थोड़े बहुत बिल्कुल हल्का से घुमाने पे शो हो रहे हैं। तो हम इसको पलट के देखेंगे, पलट कर भी इसको शो हो रहे हैं या नहीं ये चेक करेंगे। आप देख सकते हैं पलट कर जो है इसके घुमाने से वोल्टेज शो हो रहे हैं। अब हम इसे थोड़ा सा तेज़ घुमा के चेक करते हैं केस पे कितने वोल्टेज तक शो हो सकते हैं। तो ये हमने एक वायर रस्सी ली है, इससे हम इसको थोड़ा तेज़ घुमाएंगे। इसको इस पर हम ट्रेट कर देते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि इस ट्रेडमिल से हमने विंड टरबाइन सिस्टम कैसे बनाया है। आज हम इसकी सिर्फ टेस्टिंग करेंगे। तो ये हमने बना दिया, अब इसको खींचते हैं। आप देख सकते हैं ये 26 वोल्टेज तक इसको घुमाने से गए हैं। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर दिएगा ताकि आप नए आने वाली वीडियो देख सकें जिसमें हम विंड टरबाइन बना के दिखाएंगे। शुक्रिया।